अब हम छत खोल ही देते हैं यार. मेरा बहुत दिल था ये गाना एक्चुअली बारिश में लॉन्च करें. ओह ग्रेट. एवरीबॉडी शुड गेट वेट. सो माशाल्लाह. या शाहरुख, यू आर नोन एज अ किंग ऑफ रोमांस, और ये गाना भी एकदम ही रोमांटिक है, वेरी टची है. हाउ स्पेशल वाज दिस सॉन्ग फॉर यू एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एक्चुअली? एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सुहेल. जब भी डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन ही बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है. सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई थिंक दे जस्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर सॉन्ग्स फॉर मी. सो आई रिमेंबर ये गाना हमने आखिर में किया, और जब भी इम्तियाज ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो ये गाना तो मैं कर लूँगा. So I think it's just come out of love. As we speak also, we are still doing the song for the film. Abhi bhi chal raha hai ispe kaam. But I think I'm just very fortunate that the music directors, the writers, the director himself, they really look at me with a lot of love when a love song comes. And like I was telling, jo mere saamne jo meri mehbooba hai, jinse main pyar karne lagta hoon film mein, wo itni khubsurat hai. कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है. जस्ट टू एक्सप्रेस अ सॉन्ग लाइक दिस, सो वेल रिटन एंड सो वेल कोरियोग्राफ्ड एंड थॉट ऑफ. अनुज का हाउ इज इट रोमांसिंग सी दिस सॉन्ग? हिज आईज हैव अ लॉट ऑफ जेन्युइननेस व्हेन ही लुक्स एट यू इन लव. सो व्हाटएवर ही इज सेइंग कि बगल में कौन सी लड़की है, सामने कौन सी लड़की है, वो देख के मैं रोमांस करता हूँ. बट इन माई ओपिनियन शाहरुख कैन रोमांस दिस माइक also and look at the mic with the same kind of love he would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it, otherwise no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Preetam Dutt ka gana itna acha music diya hai, the song is so beautiful, the lyrics are so amazing. इरशाद कामिल ने जो लिरिक्स लिखे हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है, लाइक मेरे दिल के बहुत करीब है. तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाना, बहुत ज्यादा. हेलो, लिखा था आई थिंक नॉर्मली डायरेक्टर्स अपनी जिंदगी में से कुछ हिस्से, एक्सपीरियंसेस या सोच या समझ निकाल कर कैरेक्टर लिखते हैं. और मैंने पहले भी बोला है एंड आई विल से इट अगेन, आई थिंक इम्तियाज जो हैं कोई भी स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते हैं. व्हाट अ गर्ल वुड फील and what would a girl like a character or an actor or a man to be like. And I kind of main usse is baat mein bahut how do I say, I kind of agree with him emotionally. So there is a lot of us in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had a similar, but somewhere there's a lot of us in Harry. Aur bahut sari cheeze aisi hain jo hum baat karte waqt samajh bhi jate the bolte waqt ki yaar हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पे. सो आई रिलेट टू इट अ लॉट. ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर द स्पेस इज डिफरेंट, द सेटिंग इज डिफरेंट, मे बी वी हैव नॉट बीन देयर, बट समवेयर द फीलिंग्स आर क्वाइट फेमिलियर टू मी आल्सो एज शाहरुख एंड एज हरिंदर. थैंक यू. हाय शाहरुख, ओवर हियर. हिमेश हियर. टुवर्ड्स योर, हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग लुक्स अमेजिंग. थैंक यू. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, यू नो व्हेनेवर योर फिल्म रिलीजेस, you explore new markets in terms of releasing the film. So what kind of release can we expect from this film as far as the screen count is concerned in India as well as abroad? I'm sorry, I don't know the details because I don't look into it. We have a head Gaurav who does that. But I think a lot more this time. Of course, our traditional territories will always be there. Some of the traditional territories for our films are kind of non-traditional, like Germany and all that we release our films in, France. I think we are doing a little more in Europe and maybe South America, I've been made to understand, apart from the traditional markets. And hopefully every day as the film release comes closer, I think the new markets that the team with Gaurav heading it and Yash Raj, which is distributing it for us, is looking into it. I don't know the exact screen count, I'm sorry. I can find out, but right now I don't know. Thank you. And Imtiaz sir, you last time said that the film has been censored and given US certificate. Could you say the runtime of the film? The what of the film? The runtime. End runtime. Runtime, yeah. It's 2:20, okay. Approx. Because the rolling title is still, you know, being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 2:20. And the yes, we got a UA
from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. Hello, this is Josh from Stardust. Hi. I wanted to ask, I think everyone over here liked the, sorry for my voice. I think everyone over here liked the song a lot. What do you think about the movie? Is it going to be that, is it going to match the song or is it going to be even better? What do you think, any of y'all? It's a nice question, Josh. Thank you. All to you, bro. This is, okay. See, I'll tell you honestly, मैंने कल देखी है फिल्म, अनुष्का ने भी देखी है, इम्तियाज हर रोज देख रहे हैं. I think most of the team here has seen it. You actually, when you reach this stage of filmmaking, because we are all so involved in it, I think Anushka, not only as an actor, as a friend, also somewhere at the back of her head, being a producer herself, Dada, because day and night we are sitting there, Imtiaz, of course, has to be the most involved, and he is, round the clock. I think you lose objectivity, you know, when you're so close to it. So it's like your baby. I mean, if you ask me, is Abraham more beautiful than we think he is, I'd say yes. But that is a bias, and that's how we all believe about the film right now. It's our baby. It is more beautiful than anything in the world, and God forbid, if it is not as beautiful, it'll be even dearer to us because we love it so much. So for us to be able to say it openly, main market ke andar aake bolna shuru karu, super hit picture hai, military bulani padegi, pagal ho jayenge log, advance ye hai. I don't know. I hope all that happens. I really wish, because we're all into the business also. I really hope to God. And I really pray. It's a very simple love story. I hope a lot of people like it. That's the bottom line all of us want. So I don't know if it is better than what it's looking like or it is worse. It's a nice film. Yeah. Just like I said, bring your heart along. You'll love it. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. On your left. Yo. Hi. So, sabse pehle you look very nice with this here. Thank you. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, उसने की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ करता है या फिर लड़की लड़के की तारीफ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है, तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे ईजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है, बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे, तो होपफुली आप भी उतने ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. Hi Shahrukh, this is Mini from India Today. Wonderful song. You'll say your name again, please. Mini from India Today. Wonderful song, firstly. And since it's a love story again, people love to see you in that avatar. We have always been loving you in this genre. And I'm sure all the wives and girlfriends out there would be asking their husbands and boyfriends to learn from you. But on the contrary, we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours posed as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong with controversial baat bolu? I love making love. I don't like watching it. Acha hai na ye? Ha? Ki mujhe, making love is happier than just watching it. Toh main dekhta nahi hoon, main karta hoon. But then do you think it always acts in your favor, it never goes wrong and probably with